गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो तुषार बंसल ने पूछा था कि सेबी के बारे में, तो ये सेबी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसके नोट्स बना के दे रही हूँ, सब देख लेना। तो सेबी सबसे पहले है क्या? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रेगुलेशंस बनाती है, रेगुलेट करती है किसको? कैपिटल मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को और लिस्टेड कंपनीज को। और कौन से एक्ट के अंदर बनी है? अंडर सेबी एक्ट 1992। उसके बाद ये पॉलिसीज बनाती है, रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टेड कंपनीज को, टू ब्रिंग मोर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन वर्क, ताकि उनमें ज़्यादा, उनके काम में ज़्यादा एफिशिएंसी लाई जा सके और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, कोई फ्रॉड ना हो। और इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है उसका भी कॉन्फिडेंस बना रहे और उसका जिसमें इंटरेस्ट है वो भी सेव किया जा सके। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ सेबी, ठीक है? कैसे बना, क्यों बना, किसके लिए बना, क्या काम करता है, ये है सेबी का। उसके बाद देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, कि जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है ना उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्वेस्टर जो पैसे लगा रहा है उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई ऐसी मिसलीडिंग एक्टिविटी ना हो जाए कि उसका दोबारा फिर कोई इकोनॉमी में इन्वेस्ट ही ना करे, है ना, शेयर मार्केट में। एंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस बाय इश्यूअर्स ऑफ कंपनी, ओके। तो जो भी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, सॉरी, जो भी कंपनी अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को लिस्ट कर रही है ना, बेच रही है मार्केट में, वो भी सही से काम करे, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना करे, फेयर प्रैक्टिस करे, बिल्कुल सही से अपनी डीलिंग्स करे, लिस्टेड करे अपनी सिक्योरिटीज़ को, ये भी देखना सेबी का काम है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड स्कैम, कोई फ्रॉड स्कैम ना हो जाए, ये भी देखना सेबी का काम है। ट्रांसपेरेंट डीलिंग, सारी डीलिंग ट्रांसपेरेंट हो। फंक्शंस में भी यही सब आ जाएगा, पहले चार के चार आ जाएंगे, उसके बाद पाँचवा है रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस, जो स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है वो सही चले। प्रमोट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। प्रोहिबिट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई मतलब वही अपनी झूठी कोई सिक्योरिटी लिस्ट करके पैसे ना ले जाए, वो भी देखना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग होता है अंदर से लोग अपने जो कंपनीज के होते हैं पहले शेयर लगा देते हैं, खुद ही खरीद लेते हैं, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का फ़ायदा उठाया जा सके, ये दिखाया जा सके शेयर बहुत जल्दी बिक रहे हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने शुरू कर दें, है ना। झूठी कई बार मंदी दिखा, वो तेज़ी दिखा दी जाती है जो कि होती नहीं है, और फिर उसको ज़्यादा दाम पे वो लोग खुद पहले कम दाम पे खरीदते हैं, बाद में उसको ज़्यादा दाम पे बेच देते हैं शेयर्स को। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग रोकी जाए। प्रमोट इन्वेस्टर रेगुलेशन, जो इन्वेस्टर है उसको उनकी उनके लिए भी रूल बनाए जा सके और उनके कोई चीट ना करे, ऐसे रूल बनाए जा सके। इंस्पेक्शन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो ब्रोकर है, अंडर राइटर है, उनको रजिस्टर करना, उनको भी रेगुलेट करना कि कोई फ्रॉड इंटरमीडियरी या फिर कोई जाली एजेंट बन के पैसे ना ले जाए, उनको भी इंस्पेक्ट करना। रजिस्टरिंग डिपॉजिटरी, जो डिपॉजिटरी होती हैं, जिन जो शेयर्स रखते हैं अपने पास, उनको भी रजिस्टर करना, ठीक है। तो ये थे फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड मीनिंग ऑफ एसबीआई। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इंस्टा पे और फेसबुक पे, लिंक पोस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और मैंने इसका क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर रखा है, प्लीज़ उसको एक बार देख के चले जाना, ठीक है, ताकि आपको पता आइडिया लग जाए कि कैसे आते हैं पेपर।